सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा, मैंने किस तरीके से स्मूथ स्लो मोशन एडिट किया है। सो गाइस, ये मैंने किसी और ऐप से या कंप्यूटर से सिस्टम से नहीं किया, मैंने इसको अपने फोन से किया है और वो भी कैप्चर ऐप से। सो गाइस, मुझे पता है जब आप लोग एडिट करते हो तो स्लो मोशन करते हो तो इस तरीके का स्मूथ स्लो मोशन नहीं आता है। मैं हूं ना गाइस आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चलते हैं कैपकट पे। जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें जो वीडियो चाहिए स्लो मोशन, जिस वीडियो पे करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से। तो पहले सबसे पहले ऑडियो को म्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, और जहाँ से हमें स्लो मोशन चाहिए उस पार्ट को स्प्लिट कर लेते हैं। यानी इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको स्प्लिट वाला, उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जहाँ तक चाहिए उतने को स्प्लिट कर लेते हैं। और यहाँ पे उस क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं जितना स्लो मोशन चाहिए। उस क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्पीड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे इसको 0.1x पे रख लेते हैं, और रखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको सीधा यहाँ से राइट दे देते हैं। तो राइट दे देने से यहाँ पे देखो स्लो मोशन कुछ इस तरीके से स्ट्रक वाला आ जाता है। तो इसको मैं कैसे सही करता हूँ, स्मूथ कैसे करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो स्पीड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे स्मूथ स्लो मो दिख रहा होगा ना आपको, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेटर क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे राइट मार्क को दबा देंगे। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए देखा कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ स्लो मोशन हो गया है यहाँ पे। सो गाइस, आखिरी पार्ट पे जाके ब्लैक कलर का कुछ उनका वाटर मार्क आएगा, उसको डिलीट करके यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।